अजमेर में सामाजिक सरोकार क्षेत्र में अग्रणी संस्था ज्वाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रेजू झुनझुनवाला के निर्देशानुसार माकड़वाली रोड पर पेड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण के सुधार के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा सबक है। भविष्य में ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने कहा कि वृक्षारोपण करने के बाद पौधे की संभाल करना भी जरूरी है। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक प्रसाद सिंह, उप वन संरक्षक अजय चित्तौड़ और भास्कर के प्रभारी आनंद ठाकुर ने भी वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर वन विभाग के देशराज मेघवाल, जवाहर फाउंडेशन के मामराज सेन, आस्था फाउंडेशन की मोनिका डिडवानिया, पार्षद नरेंद्र सुनवाल, सुशीला गहलोत, तुषार सिंह यादव, अजय बंसल, राजीव सिंह समेत जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने 44.5 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। रामगंज थाना SHO अभिषेक अदांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि रात को नाकेबंदी के दौरान सारी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आरोपी सासी बस्ती का निवासी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर के JVNU हॉकी मैदान परिसर में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप पर पूरे प्रदेश के लोगों में आक्रोश है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सभी वर्गों और समाज के लोगों द्वारा घटना के विरोध में प्रदर्शन के साथ साथ ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर के रैगर समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि नाबालिग के साथ हुई गैंगरेप की वारदात ने मानवता को कलंकित किया है, शर्मसार किया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। राजस्थान के मुखिया और मुख्यमंत्री महोदय के गृह जिले में हुई इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है, साथ ही बेटियों को असुरक्षित और असहज महसूस कर रही है। ज्ञापन के माध्यम से रैगर समाज पीड़िता और पीड़ित परिवार को राहत दिलाने की मांग करता है, साथ ही आरोपियों और उनके सहयोगियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अखिल भारतीय रैगर महासभा की ओर से जोधपुर में जो अभी गैंगरेप हुआ, उस मामले में हम सब लोग ज्ञापन देने आए हैं। इस मामले में हम लोगों की मांग ये है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, और इसमें स्पेशल PP गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त हो, जिससे इस मामले को पूरा देखे, जिसमें लचर स्थिति नहीं आए। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसमें सुनवाई में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो दोषी जमानत लेके और धमकाने का काम करेंगे परिवादी के परिवार वालों को, और परिवादी के परिवार को भी सुरक्षा दी जाए। और सरकार के जन मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर ऐसी स्थिति आती है तो पूरे राज्य के लिए एक शर्मनाक बात होती है। महिलाओं की अगर हम सुरक्षा की बात करें तो इसमें हमारा प्रदेश का नाम खराब भी होता है। हम ये चाहते हैं कि इसके परिवार को आर्थिक पैकेज 1 करोड़ रुपए दिया जाए और उसके परिवार में सक्षम आदमी को एक नौकरी भी दी जाए। कुशलगढ़ के रोटरी क्लब का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निर्मल जी कुमावत, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनरल दीपक सुखाड़िया, असिस्टेंट गवर्नर राजेंद्र गादिया के विशिष्ट आतिथ्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में पथिक मेहता को अध्यक्ष, अर्पण चोपड़ा को सचिव, रितेश बम को कोषाध्यक्ष, धर्मेंद्र कंसारा को क्लब ट्रेनर, कमलेश कावड़िया को डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इमेज, मनोहर कावड़िया को रोटरी फाउंडेशन, रौनक सेठ को डायरेक्टर मेंबर, मुकेश नाहटा को डायरेक्टर, राहुल चोपड़ा को सह सचिव, मनोज धनावत, नमन सोनी, टिंकेश चंडालिया, यश खाबिया, मयंक चोराड़िया, अर्पण कटारिया, अर्पित नाहटा को शपथ दिलवाई। नवीन क्लब अध्यक्ष पथिंग राजेंद्र मेहता ने कहा, समाज कल्याण के कार्य करना हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य है। प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट्स और शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए मासिक वेबिनार सीरीज बात आपकी हमारी चला रखी है, जिसके दूसरे एपिसोड में स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि हम अपने कार्य करने के तरीके में सकारात्मकता का समावेश करें तो किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
लोग ठान ले तो अपने संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदल कर दूसरों के लिए नायाब उदाहरण पेश कर सकते हैं। शासन सचिव ने इस एपिसोड में झुंझुनू जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिलानी देवरोड के शारीरिक शिक्षक जय सिंह और बीकानेर में राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खारी चारनान की प्रिंसिपल आपदा फातिमा से रूबरू कराया। शासन सचिव नवीन जैन ने इस माह के इन दो स्टार टीचर से संवाद करते हुए इनके कार्यों को प्रेरणास्पद बताया। जोधपुर मंडल की ओर से अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 20 जुलाई तक किया गया। इस 46वीं अंतर जोनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन चैनपुरा इंडोर स्टेडियम में करवाया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ DRM पंकज कुमार सिंह ने किया। प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे की अलग अलग जोनों से 14 पुरुष टीम और 2 महिला टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में पुरुष वर्ग उत्तर रेलवे ने कड़े मुकाबले में दक्षिण रेलवे को हरा कर प्रथम स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में उत्तर पश्चिम रेलवे ने पूर्वोत्तर रेलवे को हरा कर प्रथम स्थान का खिताब जीता। साथ ही रेलवे स्टेडियम को रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन कार्यक्रम के दौरान RPF महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ज्योति कुमार सतीजा, जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अनुराग मीणा और अन्य रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही रेलवे यूनियन के सचिव मनोज कुमार परिहार के साथ अध्यक्ष महेंद्र व्यास भी मौजूद रहे। जोधपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण मोतीवाल की खास रिपोर्ट। आपका मंडल रेल प्रबंधक महोदय जोधपुर का और हमारे जो मंडल सुरक्षा आयुक्त हैं जोधपुर, इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ऑल इंडिया लेवल का जो यहाँ पे इंटर जोनल कबड्डी RPF का जो कबड्डी रेसलर आयोजन की गई है, ये बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही तरतीब से की गई है। और हमने आज जो मैच देखा जो नॉर्दर्न रेलवे उत्तर रेलवे और दक्षिण रेलवे का, ये बहुत ही टफ फाइट था एंड बोथ टीम ने बहुत ही अच्छा खेला। जीत तो किसी एक की होती है, मैं दोनों टीम को बधाई देना चाहूँगा, खासकर जो जीता टीम है उत्तर रेलवे टीम को भी, और महिला टीम ने भी दो टीम थी जिसमें NWR और NERT थी, जिसमें NWR की टीम ने जीता बनी, मैं उन दोनों टीमों को बधाई देना चाहूँगा। ये पूरे RPF का सभी जोन्स का एक टूर्नामेंट था कबड्डी का, जो यहाँ आयोजित हुआ था, जोधपुर डिवीजन ने किया NWR की तरफ से, और इसमें सभी रेलवेज की टीमें थी और प्रतियोगिता 3 दिनों तक चली है, जिसमें महिला की भी टीम थी, 2 टीमें थी महिला की और बाकी पुरुषों की टीम थी। और बहुत ही रोमांचक आयोजन था, मैच बहुत ही अच्छा था, जिसमें जो टीम थी बेसिकली नॉर्थ और साउथ का की फाइट थी एक तरीके से, और जिसमें सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे जो खास बात है इसमें कि पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया था NWR ने, जिसमें जो डिफरेंट पार्ट से आए थे पार्टिसिपेंट्स थे, ये इन्जॉयड द हॉस्पिटलिटी ऑफ जोधपुर। तो ये अपने आप में बहुत खास बात थी इस कार्यक्रम में। आपने जैसा देखा होगा कि ये पूरा प्रांगण बहुत ही अच्छा ग्रीन है और पूरी फैसिलिटी क्रिएट की है हम लोगों ने, और RPF की डिसिप्लिन के तरीके से जो आप लोगों ने देखा है मैच को, ये अपने आप में एक अनूठा चीज़ है जोधपुर के लिए। तो फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ सभी के आयोजकों को और आप सभी को। बिहार देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल पर बनी फिल्म अजमेर 92 आज रिलीज हो गई है। अजमेर के 3 सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखा। फिल्म का पहला शो काफी हाउसफुल रहा। इसके साथ ही फिल्म देखने के बाद किसी तरह का माहौल खराब ना हो, इसे देखते हुए सिनेमाघर के बाहर फिल्म के पोस्टर हटवा दिए गए। फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने Shubh24 न्यूज से कहा कि फिल्म पूरी नहीं दिखाई गई, फिल्म में कुछ तथ्य छिपाए गए हैं। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। आज के 31 साल पहले अजमेर में एक काला अध्याय लिखा गया था, और उस जमाने में मैं लगभग 28 साल का था। मुझे ध्यान है मैं नवज्योति नियमित पढ़ा करता था, और उस जमाने में नवज्योति में संतोष जी गुप्ता पत्रकार हुआ करते थे, वो नियमित इसके कड़िया छापा करते थे, तब हमारा दिल बहुत दुखता था। अब आज इस घटना जब हम पिक्चर देखेंगे तो हमें यथार्थ पता चलेगा कि किस किस तरह की घटना हुई थी। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि ये पिक्चर अपने परिवार से जरूर देखें, ताकि अपने वो जीवन को बचा सके, और युवा पीढ़ी से निवेदन करूँगा कि ये भौतिकवादिकता के चक्कर में ऐसे अनशन लोगों के साथ
बाहर नहीं जावे, किसी होटल में नहीं जावे, किसी फार्म हाउस में नहीं जाए। मेरा नाम विकास स्वरूप है। इस घटना के बारे में आज से 4 साल पहले ही पढ़ चुका हूँ मैं, और इस घटना में जैसे उसमें बताया गया है कि भाई उसका याकूब बताया, इस घटना में जो रियल था ना उसका नाम था फारूक चिश्ती, नाम था उसका रियल जो नाम था फारूक चिश्ती नाम बताया था, जो आरोपी थे उनके नाम बताया था। और वो पुराना अखबार गूगल पे आज भी मौजूद है सर, गूगल के ऊपर आप डाउनलोड करके आप निकाल सकते हो, वो अखबार आज भी मौजूद है। और इसके बारे में ना इसका है बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल इन अजमेर, बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल इन अजमेर, उस पर मतलब आपको अगर ये देखना ही है ना तो उस पर पूरा बताओ, एक एक पॉइंट उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये चीज मैंने YouTube के ऊपर भी अपलोड कर रखी है और आपको Google के ऊपर भी ये मिल जाएगा। आज फिल्म देखी है आपने, आपको क्या लगा कुछ रियलिटी दिखी जो रियलिटी सर लिखा? बिल्कुल सर रियलिटी है, ये पिक्चर बिल्कुल रियलिटी पे बनी हुई है। बस ये है एक मतलब उनका नाम उजागर नहीं करे, नाम चेंज करके मतलब किरदार करके अलग अलग वो मनोरंजन के हिसाब से इसको बनाते हैं। इसको धर्म या राजनीति से कोई जोड़ा गया? नहीं, धर्म राजनीति से सर आपको किसको पता है, धर्म के बारे में राजनीति के बारे में मकसद क्या रहा? एक जागरूकता, एक जागरूकता लगे पब्लिक को, हर लड़कियों को जागरूकता लगे कि हाँ भाई घबराना नहीं है, अपने को आवाज़ उठानी है सच के खिलाफ। इस हिसाब से देखिए, सबसे पहली बात तो हम अजमेर के नागरिक हैं और अजमेर में आज से 25-30 साल पहले जो घटना हुई थी हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम सच्चाई जानते नहीं थे। पिक्चर में सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है और जैसे मार्केट में या पूरे हिंदुस्तान में बात है कि किसी एक संप्रदाय को लेकर के जो बात रखी गई है ये नहीं दिखाया है पिक्चर के अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ी जो हार है वो इंसानियत की हार है पिक्चर के अंदर जो देखने को मिली है। तो मैं यही कहूँगा कि जैसे आने वाले उस वक्त में चुनाव हैं तो इससे मत जोड़िए, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोगों ने मेरे को बताते हुए बहुत गलत हो रहा है कि इसमें कुछ मीडिया वाले भी इन्वॉल्व थे इस पिक्चर के अंदर, जिसने गलत मतलब तथ्यों को दिखाया है और उन महिलाओं के लिए मीडिया खुलासा नहीं करती तो उनका पता कैसे पता? बिल्कुल बिल्कुल सर, बट उसके अंदर आप देखें अगर आप सब नहीं वो देखिए जो उनकी धारणा थी पिक्चर कहाँ सही है कहाँ गलत है, हम पैदा भी नहीं हुए थे शायद उसके आधे साधन ने, तो हम किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। पिक्चर ने सिर्फ सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, सबसे बड़ी बात यह है। आज क्या सच्चाई है क्या गलत है आप पिक्चर देखने के बाद ही बता सकते हैं, पर जहाँ तक मानना यह है कि जो गलत हुआ था वो सब ठीक था।